हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, अक्षरों का महत्व। यह अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तक रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों की खोज ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पशु पक्षी आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों के संकेत के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्वितक रेखाएँ खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए केवल मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के काल पहले का काल माना जाता था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि।